हेलो स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। आपके पास एक कंटेनर है, किस शेप का? सिलेंडर शेप का। ओके, दिस इज द कंटेनर, इज द शेप ऑफ सिलेंडर। हियर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हियर हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इट इज फोर सिलेंडर। ओके, नाउ व्हाट क्वेश्चन से द आइसक्रीम इज टू बी फिटेड इनटू कोन ऑफ हाइट। ये आइसक्रीम है ना, ये किस पे शेप होती है? फिटेड ऑफ कोन ऑफ हाइट। ओके, कोन ऑफ हाइट इज व्हाट? 12 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन, सपोज आई टेक इट इज h1। ओके, सो इट इज व्हाट? 12 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है d1 इक्वल 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, इज दैट क्लियर? Having a हेमी स्पेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसका जो टॉप है ना वो हेमी स्पेरिकल शेप का है। ओके, तो इसके लिए भी आपका डायमीटर सेम होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिडेड विथ इस आइसक्रीम। आप इस आइसक्रीम से कितने इस शेप के फाइंड होंगे? ओके, सो इट मीन सिंपल वॉट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर। ओके, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ आइसक्रीम इक्वल, सपोज आई लेट एन इज द वॉट? नंबर ऑफ कोन्स। ओके, एंड वॉट? सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, और कोन के ऊपर क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर। ओके, हेमी स्पेयर शेप का भी है ना आपके इसके ऊपर। सो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वॉट? पाई आर स्क्वेयर एच। यर डायमीटर इज 12, सो रेडियस इज वॉट? 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉट? 1/3 ऑफ पाई, एंड इट इज आर वन स्क्वेयर एच वन, इज दैट क्लियर? एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। ओके, सो हियर आर इज ऑल्सो आर वन, सेम होगा। डायमीटर 6 है ना इसका, डायमीटर इज वॉट? 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा? आर वन इज 3 सेंटीमीटर। हाइट तो आपको गिवन है, कितना है? 12। तो सिंपली आप सोल्व करेंगे तो इट इज पाई एज इट इज, एंड वैल्यू ऑफ आर इज 6 × 6 एंड एच इज 15 इक्वल, दिस इज अवर एन, नंबर ऑफ कोन्स, कितने आइस कोन फाइंड होंगे। अब इन दोनों में कॉमन है आपका कितना? पाई। ओके, सो रिमेनिंग इज वॉट? 1/3 ऑफ आर वन स्क्वेयर। सो आर वन स्क्वेयर इज वॉट? 3 × 3, और एच कितना है इसमें? 12 प्लस 2/3 आर वन स्क्वेयर, इट मीन 3 × 3 × 3। ओके, इसका डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस कितना होगा इसका भी? 3। सो सिंपली पाई से पाई कैंसल आउट, इट्स बिकम 36 × 15 इक्वल एन। 3 से 3 कैंसल आउट, इट्स बिकम 12 × 3 = 36। ओके, यहां पे आपका 3 से 3 कैंसल आउट, 3 × 3 = 9 × 2 = 18। सो इट बिकम 36 × 15 इक्वल, इट्स बिकम 54 एन। ओके, सो 36 × 15/54 इक्वल एन। अब कैंसल आउट करेंगे किसकी टेबल से? 9 की टेबल से। ओके, तो 9 × 4 = और इट इज 9 × 6 = 54। फिर 2 की टेबल से, तो 2 और ये कितना? 3। फिर 3 की टेबल से कितना? 5। सो रिमेनिंग इज वॉट? 2 × 5 इक्वल एन। सो एन इक्वल वॉट? 10। इट मीन्स ये जो आपका सिलेंड्रिकल शेप आइसक्रीम से पूरा कंटेनर फील है, इसमें से कितने कोन्स आपके फील होंगे? क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिडेड विथ आइसक्रीम। सो 10 कोन, नंबर ऑफ कोन इज व्हाट? 10, विच इज फिडेड इन आइसक्रीम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6 इज सेज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। ओके, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 इन डायमीटर। ये आपके पास सिल्वर कॉइन्स है। ओके, तो इसका कुछ आपका हाइट भी होगा। ओके, सिल्वर कॉइन है तो इसका डायमीटर गिवन है कितना? 1.75 सेंटीमीटर। और थिकनेस, इट मीन्स इसकी कुछ माइनर हाइट होगी ना, तो एच का वैल्यू गिवन है 2 mm। ओके, 2 mm गिवन है। ओके, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। इसको अगर अपन मेल्ट करेंगे, किसके क्यूबॉइड है सपोज आपके पास, इसका आपको डायमेंशन गिवन है। ओके, क्यूबॉइड शेप है।
इट मीन्स 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑल थिंग आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये अपन इस हाइट थिकनेस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 2/10 सेंटीमीटर। ओके, इट इज द हाइट ऑफ दिस। इट मीन्स आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन। सो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज इट इज शेप ऑफ सिलेंडर, माइनर हाइट होगी, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर? इसको मेल करेंगे ना, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फाइंड करना है, तो वी लेट इट इज एन, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू एल इंटू बी इंटू एच, एंड इट इज द डायमेंशन एल इंटू बी इंटू एच। सो सिंपली इट इज एन एंड इट इज 22/7, सो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज द 1.75/2, बिकॉज डायमीटर इज 1.75, सो रेडियस इज हाफ ऑफ दिस, सो इट इज 1.75/2 इंटू 1.75/2 मल्टीप्लाई विथ हाइट, इट इज 2/10 इक्वल, इट इज 5/5 इंटू 10 इंटू 3.5। इधर क्लियर? अब नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1 2 से आपका 1 2 कैंसल आउट हो गया, ओके, एंड ये 2 से आपका 11 फॉर्म हो गया। सो एन इक्वल वॉट, 11 इंटू 175 इंटू 175 अपॉन 7 इंटू ये कितना 100, और ये भी कितना होगा आपका 100 इंटू 10 इक्वल, इट्स बिकम वॉट 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10, सो 110 से 110 सिंपली कैंसल आउट, और इसको फर्दर कैंसल करेंगे तो इस 110 से आपका ये 110 भी कैंसल आउट होगा। ओके, सो रिमेनिंग इज वॉट, नाउ इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, सो इट बिकम एन इक्वल, आपको एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो इसको देखो मैं राउंड फिगर कर रहा हूं, 55 इंटू 35, ये डिनोमिनेटर है ना, तो कहां शिफ्ट होगा, अपोजिट साइड में आपका न्यूमरेटर में, ओके, अपॉन दिस वैल्यू 11 इंटू 175 इंटू 175, ओके, ऑल वैल्यू 110। सो नाउ वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट, अब इसको कैंसल आउट करते हैं, 11 1 जा 11 11 5 जा 55, इट इज 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग बिकम 25, सो 5 5 जा 25, सो ये 35 से 35 भी आपका कैंसल आउट। ओके, अब इसको 7 की टेबल से करते हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ओके, 3 रिमेनिंग बिकम 35, सो 7 5 जा, ओके, इट इज 25, सो 25 1 जा 25 25 4 जा 100, सो रिमेनिंग इज 4 इंटू 100, ओके, सो नाउ एन इज व्हाट, 400 कॉइन्स। ओके, इट मीन्स जब आप इस जो भी आपको क्वेश्चन में क्यूबॉइड डायमेंशन का गिवन था, अगर आपको उस मेल्ट करके 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 mm थिकनेस के 400 कॉइन्स आप मैं फाइंड कर सकते हो, इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6।